तो हेलो गाइस, इस तरीके से पोज हम कैसे बनाते हैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हुए, वही हम आज वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। और हमने ग्रीन स्क्रीन भी वीडियो थोड़ा दे रखा है, तो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इतना परफेक्ट तरीके से हम क्रोमा टून में नहीं बिठा सकते, वह वीडियो हमने एडिट करके बनाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक इमेज होनी ज़रूरी है ज़मीन पे बैठे हुए कोई भी कैरेक्टर की। हम जो भी कैरेक्टर बनाने वाले हैं वो एक आदमी का कैरेक्टर बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई औरत को खाना खाते हुए दिखाना है तो आपको इमेज लेनी है औरत की। अभी हम आदमी की इमेज ले रहे हैं, तो बैठे हुए आदमी की इमेज हम ले ली है। हम दो प्रकार से ड्राइंग करते हैं, एक पॉइंट लगा के ड्राइंग करते हैं और दूसरा हम आज वीडियो में दिखाने वाले इस तरीके से करते हैं। तो हमने एक इमेज ले रखी है, इसका हम बैकग्राउंड हटा देते हैं। अभी इस पूरा वाइट है इसलिए हमें परफेक्ट तरीके से पता नहीं चलता है, तो हम पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे ताकि हम पूरा वाइट कलर निकाल सके। और इस उसको आप पीएनजी में भी बना सकते हैं, पीएनजी बनाकर यहाँ ले आइए तो भी चल जाता है। तो हम ग्रीन स्क्रीन ले लेते हैं और उसे ग्रीन स्क्रीन को पीछे कर देते हैं। नीचे की तरफ लाएंगे तो कैरेक्टर हमारा दिख जाएगा और जो वाइट कलर दिख रहा है वो हमें इरेज कर लेना है। हमें बैठे हुए बॉडी की ज़रूरत है, उसका फेस भी हम निकाल देंगे ताकि हम फेस हम दूसरा लगाने वाले हैं। तो पूरी तरीके से हम इरेज कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने पूरा इरेज कर लिया है, अभी उस पर हम ड्राइंग करेंगे, परंतु उसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी जूम करने पर ये फट रहा है चित्र, तो हम ड्राइंग करेंगे तो चित्र फटेगा नहीं, इसलिए हम ड्राइंग कर लेते हैं। आपको जो भी कलर करना है उनके कपड़े में वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम पहले उस को डुप्लीकेट बना लेते हैं। हमने डुप्लीकेट बना लिया है इसलिए कि उसको हम अच्छे से शैडो दे सके, पुराना देख के उसको शैडो बना लेंगे। तो हम अभी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें जो पसंद है वही। हमने कलर सिलेक्ट कर दिया है, अभी हम यहाँ से जो कैरेक्टर पे ड्राइंग करने वाले हैं यहाँ नीचे लॉक लगा देंगे, जिससे हमारा कलर जो बाहर ना निकल जाए। और ब्रश भी हम ये वाला ले लेंगे। तो अभी हम कलर कर लेते हैं उसकी बंडी और धोती पे। धोती पे हम अलग कलर रखेंगे, इस तरीके से हम कलर करते हैं। हमने लॉक लगाया है जिससे हमारा कलर बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से हम पूरा कलर बंडी पे लगा देते हैं। तो भाइयों, ऐसे सीखने वाली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और लाइक करना तो आप भूल ही जाते हो, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। बंडी पे हमने कलर लगा दिया है, अभी हम धोती पे कलर लगाएंगे। तो हम धोती का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से धोती पर पूरी धोती पे कलर लगा देते हैं।
हमने धोती पे पूरा कलर भर लिया है और एक हाथ भी निकाल दिया है। वो हाथ हम अलग से बनाएंगे, जैसे भोजन कर रहा है इस तरीके से मूवमेंट में। जो हमने डुप्लीकेट इमेज बनाई थी उसको हमने हाइड कर रखा था, अभी हम उसको आँख जैसा आइकन है इस पर दबा के उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, इसलिए हल्का फुल्का हमें दिखेगा। अभी जहाँ पर शैडो लगा है वो हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, धोती का कलर सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और ब्रश भी हम ये वाला रख लेंगे जो हल्का फुल्का दिख रहा है। इसे हम अभी हम अगले जो ड्राइंग किया था इस इमेज पर आ जाएंगे और इस पर हम धोती का शैडो बना लेते हैं इस तरीके से। हल्की फुल्की हमें लाइन दिख रही है, उस लाइन पर हम ब्रश लगा लेंगे जेथी हमारा शैडो अच्छे से बन जाएगा। अभी हमने पूरा शैडो कंप्लीट कर लिया है। जो हमने डुप्लीकेट इमेज बनाई थी उसको हम हाइड कर देंगे, तभी हमारा शैडो हमने लगाया है वो अच्छे से दिखेगा। इस तरीके से शैडो हमने लगाया था और हम अच्छे से जहाँ लगाना है वहाँ हमारे अंदाज से लगा देते हैं। अभी हम बंडी का कलर सिलेक्ट करेंगे, उसको थोड़ा डार्क करेंगे और उसी प्रकार से हम बंडी को भी शैडो दे देते हैं। बंडी का भी शैडो हमने पूरा कर लिया है। अभी हम बॉडी का कलर सिलेक्ट करेंगे और हाथ गर्दन पैर पे हम कलर लगा लेते हैं। बॉडी में भी हमने कलर लगा लिया है, अभी इस प्रकार से हमें बॉडी चाहिए थी। अभी हम उसको जूम करेंगे तो भी वो नहीं फटेगी। अभी हम फेस ले लेते हैं। फेस इसलिए हम ले रहे हैं कि हम जब किंग मास्टर में एडिट करने जाए तो हमारा जो पार्ट हमने यहाँ सिलेक्ट किया है वो परफेक्ट तरीके से वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे हम, इसलिए हमने ये फेस लिया है। ये हमें अच्छे से सेट कर लेते हैं बॉडी पे। फेस को हमें सेट कर लिया है, अभी हम भोजन की थाली लेके आएंगे। भोजन की थाली हमने ले ली है और वो वहाँ रख देंगे। और हमने हाथ बना लिया था पहले, तो हाथ हमने इस प्रकार बनाया है, आप देख लेना इसी प्रकार से आप हाथ बना लीजिए। इस प्रकार से हमने हाथ बनाया था, देखो थाली में भोजन ले रहा है इस प्रकार से दिख रहा है। और दूसरा भी हाथ हमने बनाया था, जैसे अभी हाथ को हम दिखा देते हैं, इस तरीके से हाथ हमने बना लिया था, तो इस तरीके से आप भी बना लीजिए हाथ।
और दूसरा हाथ भी आप इस प्रकार से बना लीजिए, जो अभी हम दूसरा हाथ यहाँ लेके आते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरा हाथ बनाया था, जिसे भोजन का निवाला मुंह तरफ ले जा रहा है। तो हम पूरे हाइड कर देते हैं और दिखाते हैं इस तरीके से हाथ हमने दूसरा बनाया था। बस हमें इस प्रकार के दो हाथ बना लेना है। वो हमने सारा पार्ट अलग अलग करके सेव करके रख लिया है। इस प्रकार से हमने फेस को ग्रीन स्क्रीन में बना लिया है। तो हमें जितना चाहिए 15 सेकंड या 20 सेकंड उतना हम सेव कर लिया है। तो अभी हम किंग मास्टर में जाके सारा कुछ एडिट करते हैं। चलिए किंग मास्टर की तरफ। चलिए हम किंग मास्टर ओपन कर लेते हैं। किंग मास्टर हमने ओपन कर लिया है और हमें यहाँ से ग्रीन पर्दा लेके आएंगे। ग्रीन पर्दा हमने ले लिया है। अभी हमने जो बॉडी सेव किया था वही हम बॉडी लेके यहाँ आएंगे। तो बॉडी हमें देख लेना है किस फोल्डर में है। तो यहाँ ले लेते हैं, उसके लेंथ हम लंबी कर देते हैं थोड़ी। और बॉडी को हम थोड़ा क्रॉप करके एडजस्ट कर लेते हैं। हमने इस प्रकार बॉडी एडजस्ट कर ली है। अब हम भोजन की थाली लेके आएंगे। भोजन की थाली हमने ले ली है, तो हम भोजन की थाली सही से सेट कर लेते हैं। भोजन की थाली हमने सेट कर ली है। अब हम हाथ लेके आएंगे। तो हाथ हमने ले लिया है, उसको भी सही से एडजस्ट कर लेते हैं। हाथ को हमने सही से एडजस्ट कर लिया है। अब हम उसका फेस लेके आएंगे। तो फेस हमने निकाल लिया था क्रोमाटून से। तो हम थोड़ा क्रॉप करके निकाल लेते हैं और क्रोमा की इनेबल करके उसका फेस अच्छे से एडजस्ट करते हैं। फेस को हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब हम दूसरा एक हाथ लेके आएंगे। तो हमने दूसरा हाथ भी ले लिया है, तो थोड़ा क्रॉप करके उसकी लेंथ लंबी कर देंगे।
अभी हम वीडियो को आगे थोड़ा खिंचकाएंगे और हाथ जो हमने लिया था उसको आगे का पार्ट थोड़ा निकाल देंगे। अभी हम दूसरा हाथ पे टच करेंगे और यहाँ से कट लगा लेंगे। हमने कट लगा लिया, यहाँ पे पीडी लाइन पे बना है। अभी थोड़ा आगे खिंचकाएंगे और यहाँ कट लगा लेंगे। अभी हम दूसरे हाथ सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से कट लगाएंगे और पीडी लाइन बनी है उसको आगे तरफ खिंचकाएंगे और उसको आगे का पार्ट निकाल देंगे। और फिर हम दूसरे हाथ पे टच करेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे और आगे तरफ खिंचकाएंगे और आगे का पार्ट निकाल देंगे। अभी हम दूसरा हाथ सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम कट लगा देते हैं पूरे वीडियो में, इसलिए हमारा एक हाथ निकल जाता है और एक हाथ रहता है। तो हम पूरे वीडियो के अंदर इस तरह से कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो बना है। तो हमने पूरे वीडियो में कट लगा दी है, अभी हम प्ले करके देखते हैं किस तरीके से हमारा पोज बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हो खाने वाला पोज बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम खाने वाला पोज बनाते हैं। बहुत मेहनत तो लग रही है मगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के हमें मेहनत करना बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम पे बने रहे तो हम ऐसे नए नए कार्टून कैरेक्टर लेके आते रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।